छत पे बाकी ऊपर से जाए, ऊपर से फिर जो लगा होता था इशारा इशारा बस 10 मिनट तक खड़े रहो उधर ही इशारे पर होती है उधर बहुत ज़्यादा इशारे पे खड़े रहो 10-10 मिनट हर इशारे पे खड़े रहो। ये डी सी बैग का वो इंटरचेंज है इधर। अच्छा अच्छा मोड़ के किधर रहे हैं उधर से जा रहे हैं उस साइड पर ये इधर से पटेल जो जगह इसके पास हाँ नहीं सब चेंज है इधर को आगे भी जाएगा फिर ये। अच्छा हाँ ये वाला ना रास्ते से क्रॉस हो गया ये किसको मिलाएगा कौन से मतलब सिटी को या कौन से शहर को इफ्राबाद इफ्राबाद जाएगा बाद शहर क्रॉस करते जब मानसहरा वाले जो आएंगे वो इधर से इफ्राबाद जाएंगे यानी कि वो जो शहर जो डेढ़ घंटे वाला जो शहर वाला जो पास पे वो ना कल कोई बात कर रहा था परसों के इफ्राबाद के चक्कर नहीं होते फ्यूचर का जो ना कोई फ्यूचर नहीं है फ्यूचर में फ्यूचर है उसका फ्यूचर ही फ्यूचर फ्यूचर का कोई फ्यूचर ही नहीं है मिस्टर फ्यूचर उसको छोड़ दो और आप किसी को देखो प्रेजेंट को देखो बाद में फ्यूचर का तो फ्यूचर छोड़ो फ्यूचर है फ्यूचर इन फ्यूचर फ्यूचर मुस्तकबिल का मुस्तकबिल नहीं ग्रीन भी देखो ये सही है सही बना रहे हो बस ये मुझे एक बंदा बनाया जो आपसे ना रहने चारी बाजार पहुंच गए हैं और अब उतर रहे हैं और देखिए सुमान भाई उतर रहे हैं अब एक मिनट अब सर हमारे उतर रहे हैं कमरान साहब अभी सुबील भाई को मैं उतारूंगा और उसी डुआ भी बनाऊंगा सुबील भाई आए ये सर ऐसा है चलो हम शनिचारी से निकल चुके हैं और अब हमारा थोड़ी तरफ रास्ता कंटिन्यू है और इंशाल्लाह हम आपको एंजॉय करेंगे मेरे यूट्यूब फैन आप एंजॉय करेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। शनिचारी बाजार से अब हम गुजर रहे हैं और जो मेरे साथ दोस्त हैं हम उनसे भी मिलाते हैं आपको कि वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं। पहले हम शनिचारी से कुछ रास्ता तय कर लें फिर हम आपको आगे बताते हैं ठीक है। सर क्लियर हो गया किराया कम भी है अभी हमने इस टैक्सी वाले भाई से किराए की किराया मुकाया और उन्होंने हमसे 1000 रुपये महंगे हैं और 1000 रुपये में हमारा डन हो गया है। ड्यूटी उन्होंने 500 लिया है और 500 उनका अपना यानी कि दूसरा यानी कि खर्चा है और हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है तो आपको अपना इलाका दिखाएंगे शुमाली इलाका जात और पीछे भी मैं आता हूँ अपने दोस्तों से रिव्यूज लेता हूँ तो आसमान साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना आसमान भी अभी आपकी तरफ हम आते हैं और आपसे पूछते हैं थोड़े से हम स्टार्टिंग कैप्चर कर ले तो बाद में आपसे भी गुफ्त गुजरी होती है। सुबील से ही सुबील भाई से तो स्पेशल क्वेश्चन होंगे तो वो क्या कहते हैं इस बारे में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू नहीं वैसे आपसे इस इलाके की खूबसूरती के बारे में हाँ ना बिल्कुल
देखने आ रहा है, ये एक नॉलेज का एक अहम हिस्सा है सीखने का। हम देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज। एक जगह पे इंसान रह रहे कर बोर हो जाते हैं। ये रोड जा रहा है रेशम का जो जा रहा है बाकी चैनल रोड पे, और इधर से आप निकल रहे हैं। हाँ ये जा रहा है छतर प्लेन गिलगित। अच्छा छतर प्लेन विशाम गिलगित, बिल्कुल गिलगित तक है होटल छतर प्लेन। सही सही जबरदस्त। और ये एंड कहाँ पे उतरा हूँ? ये बढ़िया बजूर माना पूछा जबर देव दी तक नौजाबाद तक। सही जबरदस्त। पीछे भी बहुत दूर है अगर मुंडी आखिरी अल्ताफ मुंडी तक है। सही कामरान भाई इधर देखो। क्या बात सुमान भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सुमान भाई आप क्या क्या फील कर रहे हैं इस टाइम? बहुत एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। चलो माशाल्लाह। सुनील भाई आप तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे टूरिस्ट को? टूरिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जबरदस्त। जुगोड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में जा रहे हैं, जो खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे आपके लिए महसूस होते जाएं। अगर आपको अच्छी लगे व्यूज़ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और इन्जॉय करें। सुबह में हम पहुंच गए हैं, रास्ते में आता कोई ये विलेज है मेरे ख्याल में। पीर कोटक महान से मतलब कितनी नज़ार लिया था पिछले साल? कहाँ से? नचेरा से। ये सीजन चल रहा है ना इसलिए। सीजन की बात है ना, सीजन वैसे तो आप कितने डिफरेंट से। खूबसूरत व्यू पहाड़ दोस्तों के लिए एंजॉय करें। अभी यहाँ से आप जीप गाड़ी लेकर जाओ नहीं होगा। अच्छा जहाँ फोटो लेने हो तो बता देना भाई। हाँ कमरान सर जहाँ दिल करे ठहरने को तो बताना, सही है? चाहे 10 मिनट बाद कहोगे हम ठहरेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मेरा प्यारा पाकिस्तान, दिलचस्प नज़ारे, दिल देखते ही बाग बाग हो जाता है।
यहाँ भी खूबसूरत गर्मियों में के नज़ारे फिर लदा होते हैं, हरियाली होती है हर तरफ, सर्दी में बर्फ ढके होते हैं पहाड़। कलेगा हम पहुंच चुके हैं इस टाइम, जगोड़ी जाते हुए रास्ते पे आपको फुल फॉर्मेशन देंगे, अगर आप आए तो आपको परेशानी ना हो। सही है, फुल फैसिलिटेटर है सर, फॉर्मेशन आपको पूरे एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी जगह से होते हुए आप जगोड़ी पहुंचेंगे। इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट में चाहिए, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। कलेगा के पहाड़ ऊँचे ऊँचे आप देख सकते हैं, नीचे से सियर रिवर भी गुजर रहा है साथ साथ। आप जानू मंडी पहुंच चुके हैं, कलेगा से आगे जानू मंडी आती है और आपको एक्सप्लोर करते जाएंगे साथ साथ और आप नज़ारे लेते जाएं। अब हम सूंग के इलाके में पहुंच चुके हैं, जानू मंडी से आगे सूंग का इलाका आता है और सामने ब्रिज भी आ गई है पूरा इंफॉर्म, तो सूंग के इलाके से गुजरा है। आप सीरन रिवर भी देख सकते हैं नीचे, ये सीरन रिवर है। हम देख रहे थे सर आप मैप पे, याद है सर आपको मैप पे हम पाइन वैली देख रहे थे, वही वाली मेरे ख्याल। जबरदस्त पुल देख सकते हैं, ब्रिज सारे थोड़ी जाते हुए हम पाइन वैली पहुंच चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चली हुई है अभी और आपको एक्सप्लोर करते हैं ऊपर से नज़ारे, आप दोस्तों की नज़र करते हैं, यकीनन बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और इन्जॉय करते हैं खूबसूरत नज़ारे। ये आपको दिखाते हैं पाइन वैली के, ये देखो ब्रिज है सामने, ब्रिज के पास से हम गुजर रहे हैं, लोहे का ब्रिज बना हुआ है और ज़बरदस्त नज़ारे, मज़ा आ रहा है, फंटेस्टिक मॉल है यार। सबील भी कैसा महसूस हो रहा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त, सबील भी कह रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ। सबील भी नीचे नहीं, पुल की सिचुएशन ख़राब है, ज़बरदस्त देखें यहाँ से रिवर से पानी गुजर रहा है और इतने खूबसूरत नज़ारे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान के साउथन एरियाज में। अभी हम जबोड़ी जा रहे हैं, हमारा टूर तो जबोड़ी का, लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि वो सामने पहाड़ हैं ऊँचे ऊँचे, जो पुल है इसकी हालत भी नाजुक है।
मोहम्मद खान साहब है, निहार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मजा आया, बहुत ठंडा पानी है, मजा आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है। ओ ओहो यार मोबाइल खराब करते हो तू, पीछे खड़ा हो ना। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या एहसान? और तुम्हारा? सनाउल्ला। कौन सी जमात में पढ़ते हो? पहली। अच्छा, सनाउल्ला की तो आज मौजी हो गई है, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल, ये लोकल बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ खाना खा रहे हैं। ये बड़ा बच्चा भी तो बैठा है। अच्छा, तुम्हें कौन सा टीचर पसंद है? बताओ। कौन सी किताब पसंद है तुम्हें? कौन सी किताब अच्छी तरह याद आती है? उर्दू की, इंग्लिश की? इंग्लिश आती है? एबीसीडी, एबीसीडी आती है? अलिब्बा। अच्छा, नमाज, नमाज पढ़ते हो? सर होते वन टू आती है? एक दो पहाड़ी आती है? अच्छा, काबिल बच्चे दो। तुम्हें पहाड़ी आती है भाई? इसको पहाड़ी नहीं आती। मैं अभी कंपटीशन में हूँ, वीडियो ऑफ करो। अच्छा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। अब हम माशाल्लाह यहाँ सीजन रिवर पर इंजॉय कर रहे हैं जुबोड़ी में, और ऊपर आप देख सकते हैं कि पहाड़ खूबसूरत और नदी बह रही है, इतना खूबसूरत नज़ारे, माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या व्यूज़ है देखिए। इंजॉय करें और पानी की शोर सुने, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। और यहाँ हमारे सर कमरान साहब, वो भी हमारे साथ पिकनिक कर रहे हैं, इंजॉय।